नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और अब कर रही हूँ मैं क्लीनिंग, पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ मैं करूँगी आज बेडशीट चेंज, और जो रूम है रूम की बेडशीट मैं 4-5 दिन बाद या फिर हफ्ते में एक बार ही करती हूँ, अब जब से सर्दी आई है। क्योंकि अब सर्दियों में जो ये वूलन बेडशीट होती है ये ज़्यादा गंदी नहीं होती और इतना ज़्यादा मतलब अंदर बैठते ही हैं, शाम के टाइम ज़्यादा नहीं रहते। और जो बाहर वाले दीवान की बेडशीट है हमारी वो ज़्यादा गंदी होती है, वो तो हमें हर 2 दिन बाद मतलब चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने देखे एक रूम की कर दी है चेंज बेडशीट, अब दूसरे वाले रूम में भी आ गई मैं। और आप पूछ रहे थे कि ये जो मेरी पिंक वाली अभी बेडशीट मैंने उतारी है कितने की है, रेंज कितनी है इसकी, तो आपको बता दूँ ये मेरी 350 की है एक बेडशीट, जो उतारी मैंने वो भी, और जो ये डाल रही हूँ ये दोनों एक साथ ही मैंने खरीदी थी, ये जोड़ा था 700 रुपये का। और ये कम से कम मुझे लग रहा 3 या 4 3 साल पहले मैंने खरीदी थी, तो 700 रुपये की थी ये, 350 की एक। और बहुत अच्छी बेडशीट है, गर्म है एकदम बिल्कुल, और मतलब बिल्कुल ऐसा लगती है निवाच आती है इनमें। तो यहाँ देखिए बेडशीट मैंने दूसरे बेड पे भी बिछा दी, अब जो पिल्लो कवर है वो भी लगा दूंगी, दोनों के साथ इनके पिल्लो कवर भी हैं तो उसके मैंने उतार दिए और जो दूसरे वाली उस पे लगा दिए हैं। भूख लग रही तुझे? हाँ। अच्छा खिचड़ी बना दू? नहीं। और अच्छा भाई पपीता खाओगे भाई? चलो पपीता देखता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है गो। तो फ्रेंड्स ही ना बच्चों को लग रही भूख, शाम का टाइम हो रहा है अभी, खाना बनने में तो 1-1.5 घंटा है, तो मैं इन्हें पपीता दे देता हूँ काट के। पपीता दे दू? यस। ठीक है। तो देखे जी मैंने बच्चों के लिए पपीता काट दिया, पपीता क्या कहते हैं और? पपाया। पपाया। और अब मैं बच्चों को दे देता हूँ, आप भी आ जाओ खा लो थोड़ा थोड़ा सा। लाओ अपनी अपनी फोक। नमक डाल दो ना इसमें। नमक नमक डाल दो, पूरा निकाल दो डाल कर, बाद में ला। अब है शाम का टाइम, और शाम के टाइम अब मैं बनाऊंगी खिचड़ी, ये है मटर पुलाव बनाऊंगी मैं आज। और ये आपको वीडियो बता दूँ, ये है थर्सडे का, उस दिन मैंने डोसा भी बनाया था आपने देखा होगा 26 जनवरी वाले दिन का। तो अब शाम का टाइम है, दोपहर के टाइम तो मैंने डोसा बनाया था आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। तो अब मैं बना तो रही थी मैं खिचड़ी मूँग की दाल वाली, लेकिन बच्चे कहने लगे कि मम्मा नहीं खाएंगे अब, बच्चे करते ही हैं ज़्यादातर इन चीज़ों को खाते हुए। तो मैंने सोचा चलो अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं भी दही के साथ इसे ही खा लूँगी, तो मैंने इसमें मटर पुलाव ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं डाला, बस हल्का सा तड़का लगा के इसमें मैंने फिर मटर डाल ली, टमाटर आलू और चावल डाल के इसकी बना दिया तारी, तारी नहीं मतलब मटर पुलाव बना के तैयार कर दिया। तो इसी तरीके से जैसे सब्जी छोकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला भी हुआ कि ऑयल नहीं खाना, तो बस उसमें प्याज थोड़ी सी चटका के, प्याज नहीं डाली सॉरी, मैंने जीरा ही डाला क्योंकि मैं कान्हा जी को देती हूँ तो प्याज नहीं देती इस वजह से। तो फिर मटर टमाटर डाल के फिर आलू डाल दिए उसमें, फिर डाल दिए हैं चावल। और वैसे मैं मूंग की दाल की या काली दाल की खिचड़ी खाती हूँ डेली, और शाम को तो डेली एक टाइम हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, लेकिन बच्चे आज जिद करने लगे नहीं मम्मा रोज़ वही बना के रख देती हो, आज यही बना दो, तो मैंने फिर बना दी। और मुझे अपनी तबीयत उस दिन थोड़ी ठीक भी लग रही थी, ये नहीं था कि मुझे ज़्यादा दिक्कत है, आराम था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो
मैंने इसमें मतलब कुछ ऐसे मसाले नहीं डाले ना ऑयल डाला, तो मैं कहा चलो ये खा लूँगी। और यहाँ कन्हैया लेके आया था सब्जी मार्केट से, आज मंडी थी, वीरवार को मंडी लगती है ना, तो यहाँ बस मैं अपना खिचड़ी वगैरह बना के बर्तन वगैरह करने लगी, तो चाय चूहे के पड़े थे शाम के टाइम, क्योंकि और भी काम होते हैं फिर टाइम नहीं लगता, बहुत लेट हो जाती हूँ। तो ये कहने लगे लाओ ये सब्जी, मैं रख देता हूँ निकाल के। तो इन्होंने जो भी सब्जी लाया था कन्हैया, काफ़ी सारी सब्जी मंडी से लाया था, टमाटर, शिमला मिर्च और ये क्या बोलते हैं इसे, चकुंदर, गाजर वगैरह, ज़्यादा तो वो गाजर के लिए ही गया था क्योंकि गाजर का जूस बनाते हैं और वहाँ से मंडी में से बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मिल जाती है एकदम, बल्कि जो बेचने वाले आते हैं वो इतनी फ्रेश नहीं देते सब्जी, मंडी में से एकदम फ्रेश मिल जाती है। तो वो 3-4 सब्जी जितनी भी उसे ठीक लगी वो लेके आया और इन्होंने सारी लगा दी है फ्रीज में। अब शाम का टाइम हो गया, देखिए जी 7:05 हो गए और खिचड़ी बना दी मैंने, आलू वाली मटर वाली खिचड़ी बना दी। और बस अब मैं जा रही हूँ गुड्डू के साथ बाजार, वो इसलिए क्योंकि गुड्डू की अभी आँख खुली, अभी बताया उसने कि मुझे जाना उसे सामान लाना, और उसकी फ्रेंड का कल है बर्थडे। कल है गुड्डू, आज था तो छुट्टी थी स्कूल की, तो उसे उसके लिए गिफ्ट लेके जाना, उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो अब कह रही कि मुझे जाना ट्यूशन से अभी अभी आई, तो अभी मैं उसको लेके चलती हूँ, देखती हूँ क्या लाना उसको। स्कूटी है यहाँ पर, चलो तो ठीक है जी, आके दिखाते हैं आपको क्या ला रहे हैं हम। और हम पहुंच गए देखिए दुकान पे, हमने यहाँ पे काफ़ी सारे गिफ्ट मतलब देखे, बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट भी किए। और यहाँ पे मेन गुड्डू का लेने का था कि मम्मा मुझे नेकलेस ही लेना है, पतला सा बारीक सा जैसा लड़कियों का होता है, तो वो ही हम देख रहे हैं दोनों माँ बेटी, काफ़ी सारे हमने देखे और एक से एक थे, बहुत अच्छे लग रहे थे सारे ही। गिफ्ट लेके आगे ये दिखा दूं आपको खोल के, पैक नहीं करवा के लाए क्योंकि आपको दिखाना था इसलिए। मैं ऐसा कह भी रही थी, गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा चल जाएगा, तो लाए हैं ये नेकलेस। और देखे तो और भी कुछ चीजें लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगी, तो ये देखिए बिल्कुल यूनिक सा है, और ये कॉपर में और उसमें है, क्या है ये मेटल में, कॉपर और मेटल दोनों में है, अच्छा लग रहा है, लड़कियों के ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, सिंपल सा ही है, जैसा कहीं पार्टी में जाओ जाते हैं बच्चे तो पहन लो। और ये इसके हैं इयररिंग, एक ये रहा और एक स्पेशल, बस यही लेन गई थी है। और कुछ नहीं, इतनी रात को इतनी ठंड में, ये रहे इसके इयररिंग, ये ऊपर नीचे कॉपर कलर है और बीच में मेटल है, अच्छा लग रहा बहुत, मुझे तो सुंदर लगा, देखते ही पसंद आ गया। 2-3 वे थे इसमें, गोल्डन सिल्वर भी थे, मगर नहीं है अलग सा यही ले ला। और बस एक अपने लिए मैं लेके आई है क्योंकि मैं कहा चल जा रही है एक चीज तो ले लूं जब शॉपिंग करनी, तो ये नेल रिमूवर है, बच्चे ना मेरा छोड़ते नहीं, जब भी लेके बैठेंगे सारा फिनिश कर देंगे सारे के सारे मिलके, कभी कोई से कभी कोई सा, तो ये मेरी मैं कम यूज करूँ और बच्चे ज्यादा करें ऐसा यूज, तो ये मुझे ज्यादा से ज्यादा खरीदनी पड़े, मैं तो नेल पेंट लगाती भी नहीं बल्कि। तो जी बस यही थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, और आपको ये गिफ्ट कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और फिर आगे थे बाजार से, ये देखिए ये मेरा जो पुलाव है बनके तैयार हो गया, और आप देख रहे होंगे कि आज इसमें हल्दी थोड़ी सी कम लग रही, वैसे ये बहुत टेस्टी बन रहा था खाने में, आप इसके शक्ल पर ना जाइए बस खाने के टेस्ट पर जाइए, सच में खाने का टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। और ये फिर अगले दिन की वीडियो है फ्राइडे की, और फ्राइडे के दिन आपको बता दूं मेरी तबीयत डाउन तो सुबह से ही थी, सुबह से तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, तो फिर सोचा चलो बैठी काम तो कर ही रही हूँ, चलो कैमरा लगा लेती हूँ,
क्योंकि सुबह से ही आज मेरे सर में दर्द था और फ्राइडे वाले दिन ही मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो ये दोपहर का टाइम है, बच्चे तो गए हुए हैं स्कूल, सुबह जैसा कैसा करके बच्चों को भी दे दिया था। और बस अब मैं बना रही हूँ सब्जी, मिक्स करके बना रही हूँ, आलू गाजर मटर डाल के। वैसे तो मेरे पास गोभी भी रखी थी, लेकिन गोभी फिर बच्चों का ही है कि गोभी कुछ मतलब खाते नहीं बच्चे, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली। तो यहाँ पे सब्जी काट पीट के सारी तैयार कर ली और यहाँ पे सब लगा दूंगी तड़का। काट के मैंने तैयार कर ली आलू गाजर मटर प्याज वगैरह सारा कुछ तैयार कर लिया और बस अब तड़का लगा दूंगी। सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी कुकर में, जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन होगी तो तब तक टमाटर वगैरह भी मैंने काट के तैयार कर लिए। और वैसे तो आपको बता दूं, मैं गाजर जब बनाती हूँ गाजर की सब्जी तो मैं टमाटर कभी नहीं डालती, आज मैंने फर्स्ट टाइम डाला। लेकिन फिर जैसे खाई ना सब्जी तो टेस्ट ही बता रहे थे, मैंने तो नहीं खाई थी अगर आपको बताऊँ, मैंने तो सिर्फ दही के साथ रोटी खाई थी और यही बोल रहे थे कि सब्जी टेस्टी बन रही, बच्चे भी कह रहे थे। तो यहाँ बस वही सिंपल सा तरीका, प्याज डाल के टमाटर डाल दिए, फिर उसमें धनिया नमक मिर्च डाल दिया और बस फिर डाल दिए हैं मटर। मटर को भी भूनने के बाद फिर बस उसमें गाजर भून दूंगी और सारी चीज़ डाल भूनने के बाद बस उसके बाद आलू और गाजर सब कुछ डाल के एक लगवा दूंगी सिट्टी, ज़्यादा सिट्टी नहीं लगवाऊंगी, हल्की एक लगेगी तो फिर बाद में इसको खुला पका दूंगी, उससे ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसी नहीं होती सब्जी, हलवा सा नहीं बनता। अगर ज़्यादा हम सिट्टी लगवाते हैं तब ज़्यादा बॉईल हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने बस सारी चीज़ें कर दी है मिक्स और अब लगवा दूंगी इसमें एक सिट्टी। तो सब्जी हमारी बनके तैयार होगी, अब साथ साथ बस मैंने रोटी भी बना दी। और आपको बता दूं, जब मैं सब्जी बना रही थी मतलब खाना बना रही थी दोपहर का, तो खाना बनाते बनाते ही मेरी तबीयत डाउन तो सुबह से ही हो रही थी और उस टाइम तो और भी ज़्यादा डाउन हो गई थी और बस खाना बनाना मुश्किल हो रहा था मेरा। ये बोल भी रहे थे कि तू रहने दे मत बना, हम बना लेंगे, लेकिन मैंने सोचा मैं कहीं अभी लग रहे हैं दोनों भाई अपने काम पे और करवाते भी हैं, दोनों ही काफ़ी हेल्प कराती हैं मेरी, फिर भी मैं कह चलो जितना भी हो सके कर लूँ। तो यहाँ बस मैंने सब्जी रोटी बना दिया और फिर लस्सी इनको दे दिया लस्सी बना के, और मैंने दही के साथ एक रोटी खा ली थी और बच्चे तो अभी स्कूल गए थे आए नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब, ऐसा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों 5:30 बज गए और चाय का टाइम है, वैसे तो चाय बंसी कर रखी हमने लेकिन आंसू की तबीयत डाउन है आज। दोपहर तक ठीक थी और दोपहर के बाद इसे बहुत तेज दर्द हो गया सिर में, और सिर का दर्द अब तक ठीक नहीं रहा। अभी इसका बीपी चेक करा, बीपी देखा, बीपी हाई हो रहा, ज़्यादा तेज नहीं है लेकिन हाई है, 149 था। तो तेज तो है, इसे दवा दे दी पतंजलि की रखी हुई वो दे दी, अगर वो काम ना करी फिर अंग्रेजी वाली रखी हुई दूंगा काम कर देगी पतंजलि वाली भी। हाँ सिर में दर्द ज़्यादा है इसका और अब तक हम सोच रहे थे मगर सिर में चुप रहो अब जा थोड़ी देर हम सोच रहे थे सिर में दर्द वैसे ही हो रहा जैसे नॉर्मल हो जाग रहे, तो सिर के दर्द की दवा दे दी थी। अब देखा बीपी हाई हो रहा इसका, बीपी की वजह तो हो रहा सिर में दर्द ऐसा मुझे लग रहा, तो बीपी की दी दवा और डॉक्टर के जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। इन्हों हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, अर तो जाना तो पड़ेगा ही डॉक्टर के। तो जी इन्हें जब चाय की इच्छा जाहिर करी, चाय बना दूँ इसकी भी और अपनी भी है? और भी लाइक कुछ पीता है नहीं, 2-3 दिन तो चाय 2-3 दिन तो पी नहीं रही है। तो देखो बाकी अगर इसके सिर के दर्द में कुछ आराम लगे तो चाय फिर भी फायदेगी है। चाय बनाओ, चाय चाय बनानी चाय तो जो होती है वो पूरा गिलास भर के हो और चाय होती है कप में, तो ये मैं बना दूँ चाय। तो देखिए चाय बन के होगी तैयार, अब मैं इसको कपों में डाल देता हूँ। आ जाओ जी आप भी ले लो चाय, चाय तैयार है तो चाय ले ले। सिर तो बिंचा नहीं मेरा, सिर बहुत बढ़िया बिंचे है यो। रुक जा पहले चाय पी लेने दे से। हाँ, ये बाबा का हो जिनके कह रही हूँ का भाई सिर बीच दे मेरा पीछे को सही ले एक बैठती बेटे, रंग
और अब मैंने देखिए जी शाम का खाना बना दिया था। और क्या खाने में सिर्फ मैंने खिचड़ी बनाई है मूंग की दाल की छिलके वाली। और अभी थोड़ा आराम है मुझे, ज्यादा मतलब दर्द में आराम है, वैसे तो कंडीशन तो मेरी वीक सी हो रही है। और बस फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना देती हूँ। और कन्हैया के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, थोड़ा सा आटा रखा दोपहर का तो उसकी रोटी सेक लूंगी। और ये बनाई है पतली सी खिचड़ी दाल वाली, ये वाली देखिए दाल वाली खिचड़ी बनाई है, तो सबको दे देती हूँ क्योंकि गुड्डू की तबीयत भी आज डाउन है, वो भी लेटी हुई, तो उसको भी दे दूंगी। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।